अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी जारी है। कोई नेता कहता है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कोई कहता है कि चाहे पीएम आए या सीएम, मंदिर पर कोई कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मंदिर मुद्दे पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। उनका ये बयान सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए झटका है, जो अयोध्या में दिवाली मनाकर लोगों को साधने में जुटे हैं। राम मंदिर मुद्दे पर बीजेपी भावनात्मक रूप से लोगों को अपने पाले में करने का काम कर रही है, लेकिन लोग अब भावनाओं पर नहीं बल्कि काम पर विश्वास करने लगे हैं। इसीलिए आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग तेज हो गई है। इस मुद्दे पर सहयोगी दलों के साथ साधु संतों ने भी बीजेपी सरकार की परेशानी बढ़ा रखी है। इसीलिए सीएम योगी उन्हें साधने के लिए अयोध्या में दीपों की दिवाली मना रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा बयान दिया है कि जिससे योगी का ये दांव उल्टा पड़ सकता है। सीएम योगी के अयोध्या दौरे के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, जब ये विकल्प खत्म हो जाएंगे तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व आगे के कदम पर फैसला करेगा। इसीलिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ इसके निर्माण पर फैसला नहीं ले सकते हैं। डिप्टी सीएम ने कहा है कि हम संतों की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता। केशव प्रसाद मौर्य अब कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बात कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने राम मंदिर पर लोकतंत्र के मंदिर में जाने की बात कही थी। उन्होंने राम राग अलापते हुए कहा था कि इस मुद्दे पर हमारी सरकार कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जनवरी तक फैसला टालने के आदेश पर उनके सुर बदल गए हैं। अब मौर्य का कहना है कि मंदिर की तारीख नहीं बता सकते, लेकिन अयोध्या का विकास करा सकते हैं। जहां केशव प्रसाद मौर्य के तेवर नरम पड़े हैं, तो वहीं योगी तो अब भी लोगों को बातों में ही उलझाने में लगे हैं। योगी ने इशारों में कहा था कि आप एक दिया जलाओ, निर्माण हम कराएंगे। तो उत्तर प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही अलग अलग राग अलाप रहे हैं, जिससे साफ है कि बीजेपी मंदिर मुद्दे पर खुद ही उलझ गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।